मकरी नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा ज्योतिष सुचार आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले केतु के वृश्चिक राशि के प्रभाव के बारे में। यदि आप देख पाते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में या किसी के भी जन्म पत्रिका में केतु और आज जाके वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं तो क्या अच्छे क्या बुरे प्रभाव देंगे, इसको आज हम विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। इससे पहले हमेशा की तरह एक प्रेम भरा आपसे निवेदन, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, साथ में एक बेल आइकॉन का बटन भी बना हुआ है उसे भी टच कर दें जिससे कि मेरे वीडियो समय रहते आपको मिल जाया करें। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं केतु की वृश्चिक राशि के प्रभाव। आप सभी को ज्ञात होगा वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल है और केतु जब भी वृश्चिक राशि में बैठते हैं अच्छे परिणाम नहीं देते जीवन काल में। जातक को काफी अशुभ और नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ता है ये जब भी वृश्चिक राशि में बैठते हैं। यहां बैठ के जातक को काफी धूर्त और चलाक बना देते हैं, ये हर काम धूर्तता से चलाकीपूर्ण करने की कोशिश करता है। साथ में यहाँ पे बैठ के केतु जातक को काफी क्रोधी बनाते हैं, जातक में क्रोध की बहुत अधिकता पाई गई है। यहाँ बैठ के विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी देते हैं केतु, जिसमें कुष्ठ रोग जैसी बड़ी बीमारियां भी शामिल है। जब भी केतु वृश्चिक राशि में बैठते हैं जातक को विभिन्न प्रकार के नशों का आदि बना देते हैं। ऐसा जातक विभिन्न प्रकार के नशों में लिप्त रहता है, जातक को नशापान करना बहुत पसंद होता है। ऐसा जातक बहुत बातूनी होता है, बहुत अधिक बोलता है और हमने देखा है कि ऐसा जातक के पास धन की हमेशा कमी रहती है। आप निर्धन कर सकते हैं और जीवन काल ये किसी न किसी कारण से दुखी रहता है। तो आज हमने काफी कुछ बात कर ली, कल हम बात करेंगे केतु के धनु राशि के प्रभाव को। इसके साथ में ही आपसे विदा लेता हूं। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।